मजेदार जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख कर पा रहे हैं आपको, हमने एक ऑफिशियल ग्रुप खोला हुआ है सीएससी यूसीएल का। इसमें लिखा गया है प्री यूसीएल वीएलई, जिन रेसिडेंट के आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उनका आधार फाइंड या उनके डॉक्यूमेंट अपलोड या आधार अपडेट करने में समस्या आ रही है। उस समस्या का समाधान हो चुका है। अब आप अपना मोबाइल नंबर लिंक या जिनका लिंक नहीं है उनका भी अपडेट कर सकते हैं। समस्या आने पर आप पहले सभी आधार सर्विसेज को स्टाप पर स्टार्ट करें, उसके बाद आधार सॉफ्टवेयर को लॉगिन करें। आधार स्टाप के लिए हमने कई वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हैं। फिर भी बता देते हैं कि आप सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए सर्विस, सर्विस को जो है क्लिक करेंगे आपको सर्विस का बड़ा लिस्ट खुल जाएगा। उसमें जो पहले तीन चार सर्विसेज हैं उनको रिस्टार्ट कर लें, स्टाप कर लें, फिर रिस्टार्ट कर लें, कई बार कर लें तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रेजिडेंट जिनका आधार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, ऐसे रेसिडेंट का भी आधार फाइंड करते समय समस्या आ रही है, जैसे कि फेल टू प्रोसेस फाइंड आधार रिक्वेस्ट ड्यू टू इंटरनल एरर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बायोमेट्रिक लेने के लिए आईरिस रीड कर आँख को स्कैन करके दो तीन बार प्रयास करेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। अर्थात रेसिडेंट को आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराने की जरूरत भी हो सकती है। तो इस तरह से देखिए जो आधार यूसीएल का काम है इसमें काफ़ी समस्या होती चली जा रही है। कब समाधान होगा ये कहा नहीं जा सकता, चाहे आधार का सर्वर हो या यूसीएल का सर्वर हो या सीएससी का सर्वर हो, इस पर लोड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सर्वर का जो समस्या है लोड बढ़ने की वजह से नहीं, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको काम करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है। आप अगर परेशान होते रहेंगे तो कितने दिनों तो कैसे काम कर पाएंगे, तो आप सोच विचार करके ही काम करें। उसके बाद इसमें इस वीडियो में बताने का मुख्य यहाँ से था कि आप जो भी आधार यूसीएल का काम कर रहे हैं और बिना मोबाइल नंबर का जो लिंक था वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आप प्रयास करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में।